अरे यहाँ भी भूषण ज्वेलर्स? जी बिल्कुल, बहु जब लाखों में एक हो तो लाखों में एक ज्वेलरी ही चलेगी ना। अनमोल रिश्तों के लिए अनमोल आभूषण, भूषण ज्वेलर्स। विधानसभा चुनावों को लेकर कांग्रेस ने कमर कस ली है और कांग्रेस चुनावों में जीत सुनिश्चित करने के लिए रणनीति बनाने में जुटी हुई है। इसी कड़ी में शिमला कांग्रेस कार्यालय राजीव भवन में कसुमटी विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉक के सदस्यों की बैठक आयोजित की गई, जिसमें विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स दिए। विधायक अनिरुद्ध सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण महंगाई से आम जनता त्रस्त हो चुकी है। तेल और रसोई गैस की कीमतों में पिछले साल की तुलना में 60% वृद्धि हुई है। कांग्रेस पार्टी जनता के मुद्दों को लेकर चुनावी मैदान में उतरेगी और भाजपा को इस बार हार का मुंह चुनावों में देखना पड़ेगा। भाजपा को कांग्रेस लीडरशिप की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि अपने कुनबे की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। बीजेपी का हाल है कि ऊंची दुकान के दुकान होती का है, बड़ी बड़ी धप्पे मारते हैं पर जमीनी स्तर पे जीरो काम है। जो पिछले शिलान्यास भी कराए थे माननीय मुख्यमंत्री से सुमटी विधानसभा क्षेत्र में, वो भी हमारी MLA प्रायोरिटी में है। काम कोई करता है लेकिन श्रेय लेने के लिए ये लोग जो है सामने आते हैं। मैं समझता हूँ जनता बताएगी कि आने वाले समय में जो है न केवल कसुमटी विधानसभा क्षेत्र, पूरे हिमाचल में क्या रिजल्ट रहते हैं। जहाँ तक नेतृत्व की बात है कि नेतृत्व नहीं है, ये अपना पहले अपना घर देखें कि आपसी इनकी लड़ाई चली है, चाहे संगठनों के बीच चली है, चाहे लीडरशिप को लेकर चली है, या जयराम जी मोटाने को लेकर एक लॉबी जो है बीजेपी की जो है तैयार हुई है। पहले अपना घर देखें फिर दूसरे को बोले। देखिए जहाँ तक महंगाई की बात है, पिछले साल और इस साल में करीबन जो है 60% का फ़र्क, 60% का फ़र्क पड़ा है। अभी परसों ही जो है 2500 रुपये LPG और बढ़ा दिया गया है। सरसों का तेल जो है वो 170 रुपये का रेट है। मैं समझता हूँ कि महंगाई को लेके कांग्रेस का आंदोलन तो चल ही रहे हैं और आगे भी चलेंगे, पर जनता इसका जवाब जो है बीजेपी को देगी। उज्जवल हिमाचल के लिए शिमला से ब्यूरो जेनेसिस कोचिंग इंस्टीट्यूट, नगरोटा भगवान, कांगड़ा।